हेलो एवरीवन, दिस इज आशुतोष एंड यू ऑल आर वेलकम इन आशुतोष वर्ल्ड। अगर आप वोकैबुलरी सीखना चाहते हो या आपकी वोकैबुलरी वीक है तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला वर्ड है आपका टायर्ड। टायर्ड मीन्स क्या होता है? थका हुआ। फॉर एग्जांपल, आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। क्या तुम थके हुए हो? आर यू टायर्ड? क्या आपका भाई थका हुआ है? इज़ योर ब्रदर टायर्ड? ओके, मैं थका हुआ नहीं हूँ, आई एम नॉट टायर्ड। लेकिन जहाँ पे आपको कहना हो वेरी टायर्ड, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, वहाँ पे वेरी टायर्ड के जगह पे आप एग्जॉस्टेड वर्ड का यूज कर सकते हो। ये थोड़ा मॉडर्न वर्ड हो गया। ओके, टायर्ड तो बहुत पुराना है ना, आउटडेटेड टाइप का है। ठीक है, बच्चे जानते हैं, लेकिन एग्जॉस्टेड हर कोई नहीं जानते हैं। तो आप चाहो तो इसका यूज कर सकते हो। तुम तो बस थके हुए हो, मैं तो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ हूँ। यू आर जस्ट टायर्ड बट आई एम एग्जॉस्टेड। ओके, क्लियर? टायर्ड मीन्स सिर्फ थका हुआ और एग्जॉस्टेड मीन्स बहुत ज़्यादा थका हुआ। बैड, नेक्स्ट है आपका बैड। बैड मीन्स क्या होता है? बैड मीन्स बुरा। द फूड ऑफ दिस रेस्टोरेंट इज सो बैड, यहाँ का खाना खराब है। द फूड ऑफ दिस रेस्टोरेंट इज बैड। लेकिन जहाँ पे आपको कहना हो वेरी बैड, वहाँ पे आप कह सकते हो ऑफुल। द फूड ऑफ दिस रेस्टोरेंट इज ऑफुल, मतलब तुम्हारे, अगर आपका भी एक रेस्टोरेंट है, मेरा भी एक रेस्टोरेंट है, तो मैं बोलूँगा आपका रेस्टोरेंट जो है, मेरा रेस्टोरेंट का खाना तो सिर्फ ख़राब है, बट आपका तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। द फूड ऑफ माई रेस्टोरेंट इज जस्ट बैड बट द फूड ऑफ योर रेस्टोरेंट इज ऑफुल। ओके, यहाँ पे वेरी बैड का सेंस देना हो वहाँ पे आप ऑफुल वर्ड का यूज कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट है आपका टेस्टी। टेस्टी मीन्स स्वादिष्ट। द फूड इज टेस्टी, ये खाना टेस्टी है। लेकिन जहाँ आपको कहना हो अरे स्वादिष्ट नहीं रे बाबा, ये तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है, तो वहाँ पे आप कह सकते हो डिलीशियस। ठीक है, इस रेस्टोरेंट का फूड टेस्टी है। द फूड ऑफ दिस रेस्टोरेंट इज टेस्टी बट द फूड ऑफ माई रेस्टोरेंट इज डिलीशियस। ओके, उस रेस्टोरेंट का फूड तो बस टेस्टी है बट मेरे रेस्टोरेंट का फूड डिलीशियस है। लोग एक बार खाते हैं तो उंगलियां चाटते रह जाते हैं। डिलीशियस। ओके, क्लियर? योर फूड इज टेस्टी बट माई फूड इज डिलीशियस। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है आपका ईगर। ईगर मतलब होता है उत्सुक, मतलब किसी बात को जानने के लिए उत्सुक, किसी काम को करने के लिए उत्सुक। फॉर एग्जाम्पल, मैं इलेक्शन अभी हुआ था जिसमें बीजेपी जीत गए, तो उसके पहले लोग कह रहे थे कि हम लोग उत्सुक हैं जानने के लिए कि कौन जीतेगा। वी वर ईगर टू नो दैट हु वुड विन। ओके, अभी मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में, वर्ल्ड कप के मैच में कौन जीतेगा। आई एम ईगर टू नो दैट हु विल विन इन द मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो उत्सुक का सेंस अगर आएगा तो आप ईगर वर्ड का यूज कर सकते हो। आई एम ईगर टू नो हु विल विन द मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, कीन का मतलब होता है वेरी ईगर, जहाँ पे उत्सुकता बहुत ही ज़्यादा हो। ओके, वेरी ईगर, मैं तो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हूँ। आई एम कीन टू नो योर रिजल्ट, आपका रिजल्ट क्या हुआ है वो जानने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। आई एम कीन टू नो योर रिजल्ट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है आपका एक्सपेंसिव। क्या है? एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मतलब होता है महंगा। क्या होता है? महंगा। दिस फोन इज एक्सपेंसिव, ये फ़ोन बहुत ही महंगा है। आपका फ़ोन उतना महंगा नहीं है, योर फोन इज नॉट दैट एक्सपेंसिव। ठीक है, लेकिन कॉस्टली मतलब होता है वेरी एक्सपेंसिव। कॉस्टली मीन्स वेरी एक्सपेंसिव। आपका फ़ोन तो बस महंगा है, मेरा फ़ोन तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है। माई फ़ोन, योर फ़ोन इज जस्ट एक्सपेंसिव बट माई फ़ोन इज कॉस्टली। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आपका फ़ोन सैमसंग का, मेरा फ़ोन आईफोन है। ठीक है, नेक्स्ट, स्मॉल। स्मॉल मीन्स बड़ा। अच्छा, नहीं, छोटा होता है ना। सॉरी, मजाक कर रहा था। स्मॉल मीन्स छोटा, लेकिन टाइनी मतलब होता है वेरी स्मॉल, बहुत ही ज़्यादा छोटा का सेंस आए तो वेरी स्मॉल को हम बोल सकते हैं टाइनी। तुम्हारा घर, मेरा घर छोटा है। माई हाउस इज स्मॉल बट योर हाउस इज टाइनी, तुम्हारा तो बहुत ज़्यादा छोटा है। ठीक है, अगर कोई तुम पे हंसे तुम्हारा घर छोटा, तो आप क्या बोलोगे? मेरा घर तो बस छोटा है, माई हाउस इज स्मॉल, जस्ट स्मॉल बट योर हाउस इज टाइनी। टाइनी मीन्स वेरी स्मॉल।
ठीक है, नेक्स्ट वन, ड्राई। ड्राई मीन्स क्या होता है? सूखा हुआ, सूखा हुआ। फॉर एग्जाम्पल दिस रिवर इज ड्राई, ये नदी सूखी हुई है, दिस रिवर इज ड्राई। लेकिन जहाँ पे ड्राइनेस ज़्यादा हो, ये बहुत ही ज़्यादा सूखा हुआ, यहाँ पे एक बूंद पानी भी नहीं है, तो वहाँ हम बोलते हैं पार्स्ड। पार्स्ड मीन्स पूरी तरह से सूखा हुआ, वेरी ड्राई। दिस पॉन्ड इज पार्स्ड, ये जो तालाब है, पॉन्ड मीन्स तालाब होता है, दिस पॉन्ड इज पार्स्ड, ये बहुत ही ज़्यादा सूखा हुआ है, यहाँ पे एक बूंद भी पानी नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पे ज़्यादा का सेंस हो, वेरी ड्राई का सेंस हो, वहाँ पे आप पार्स्ड वर्ड का यूज कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट है आपका नॉइजी। नॉइजी मीन्स शोरगुल भरा, दिस प्लेस इज नॉइजी, यहाँ ये जो प्लेस है बहुत ही शोरगुल भरा है, बहुत ही ज़्यादा शोर हो रहा है यहाँ पे, ओके। बट जहाँ पे वेरी नॉइजी का सेंस आए, वहाँ पे आप डेफनिंग वर्ड का यूज कर सकते हो, ठीक है। वो प्लेस तो बस नॉइजी है, बट ये प्लेस तो डेफनिंग है, मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे, इतना नॉइजी है यहाँ पे, तो आप बोल सकते हो आप डेफनिंग। द वॉल्यूम इन थिएटर वॉज डेफनिंग, मतलब इतना, इसका मतलब ये हुआ कि इतना ज़्यादा वॉल्यूम था थिएटर में कि लगभग लोग बहरे हो सकते थे, कान के पर्दे फट जाते, इतना ज़्यादा वॉल्यूम था थिएटर में, ओके। या फिर अगर प्लेस की बात की जाए तो वहाँ पे वो प्लेस आपका नॉइजी है, बट ये प्लेस तो डेफनिंग है, दैट प्लेस वॉज जस्ट नॉइजी बट दिस प्लेस इज डेफनिंग, ठीक है, क्लियर। हंगरी, हंगरी HUNGARY अगर हो जाए तो हंगरी मतलब एक कंट्री का नाम हो जाएगा, ठीक है। ये हंगरी मतलब क्या होता है? भूखा, मैं बहुत भूखा हूँ, आई एम हंगरी मीन्स मैं भूखा हूँ। लेकिन वेरी हंगरी के लिए क्या होता है? स्टारविंग, ठीक है। स्टारविंग का मतलब ये भी होता है कि भूख से मरे जाना, इतनी ज़्यादा भूख कि आप भूख से मरे जा रहे हो, ठीक है। दैट पुअर मैन इज स्टारविंग, यू शुड गिव हिम सम फूड, वो जो गरीब आदमी है वो भूख से मरे जा रहा है, यू शुड गिव हिम सम फूड, तुम्हें उसे कुछ खाना देना चाहिए, ओके। हम सबको ये काम करना चाहिए, जब भी कोई गरीब दिखे तो उनकी हेल्प करनी चाहिए, उन्हें कुछ खाना दे दो, कुछ पैसे दे दो, ओके, ठीक है। तो हंगरी मीन्स भूखा, स्टार्विंग मीन्स वेरी हंगरी, गॉट इट। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में नए नए वोकैबुलरीज या न्यू चीज़ों के साथ। तो बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जितना हो सके आप इसको शेयर कीजिए, ओके, टेक केयर, बाय बाय।